فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلم دي کرنے کو حاصل कुन फ़की हन आए हम इल्म दे करने को हासिल कुन फ़की आए हम अल्लाह ने मौका दिया के अब भी कुछ कर पाए हम जो सवाल थे उलझे उलझे उसे यहां झाए हम इल्म दी करने को हासिल कन फ़की हम आए हम जम्मा क्या है फतह क्या है और है मजरूर क्या जम्मा क्या है फतहा क्या है और है मजरूर क्या जिस जबा से हम थे गाफिल, उसे यहाँ से पाए हम इल्म दे करने को हासिल हम आए हम अलमाश के मानद मिले उस्ताद हमको सब के सब

इल्म रोशन हुआ नशी मन में जब से आया मैं कुन फकीहन में इल्म रोशन हुआ नशी मन में जहनो दिल में मेरे बसा है ये जहनो दिल में मेरे बसा है ये जैसे रौनक है कोई गुलशन में जैसे रौनक है कोई गुलशन में इल्म की शम्मा को नज़दीक से देखा मैंने السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين محترم رئيس مركز مركز الامام البخاري فضيلة الشيخ دكتور عبيد الرحمن مدني حفظه الله مهمان جرامي فضيلة الشيخ حسين احمد مدني حفظه الله فضيلة الشيخ نسار احمد مدني حفظه الله ديگر علماء کرام काबिल अहतराम इस शहर और बैरून से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान ने ग्रामी बुज़ुर्गों कन फकीहन और मरक़ इमामबुखारी के तलबा ग्रामी घड़ी पर नज़र पड़ रही है तो वो ये ऐलान कर रही है कि हमारा मकर वक्त ख़त्म हो चुका दूसरी तरफ मैं प्राम की सरगर्मियों, सरगर्मियोंमाय कराम के ख़िताब उनके मलफूज़ा को सामने रखता हूँ तो महसूस होता है कि वाकई अब मज़ीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं लेकिन ज़िम्मेदारान का हुक्म हमारे यहाँ कहा जाता है अहल तसवु के यहाँ अलमर फ़ोखल अदब उस बुनियाद पर हुक्म दिया गया कुछ बातें अर्ज़ करूँ इलम के हवाले से गुफ्तु हो रही थी कन फ़कीहन कन मतमन की मुनासिबत है चुनान से सही बुखारी और मुस्लिम की मशहूर हदीस का इब्तदाई हिस्सा याद दिलाऊँ जनाब महमदरसूल सल्हु वसम का इर्शाद है इन नमिन अशरात एर्फ आल इल्म बतलजह क्यामत की निशानियों में से एक नुमा निशानी बताई इल्म उठा लिया जाएगा जिालत घेरा डाल देगा जम जाएगी जिदालत म का उठना जहालत का आम होना इसकी तशरीह खुद अल्लाह के नबी जनाब महमदरसोल्लासम के दूसरे फरमान बुखारी और मुस्लिम में ही वारिद से हम देखें आपने फ़रमायान ला तजिल इंतजान यकब तजु मिन मिन, मिन सदूरी उ कमा वरद फिलहदीस कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह तबारक व ताल को इस तरह उठा ले कि केमा के सीने से उठा ले छीन ले खींच ले वाला की यक बेजुल इल्म को इस तरह उठाएगा कि उलमा उठा लेगा को उठाकर इल्म उठाएगा हताम युब के आलिमा यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी नहीं छोड़ेगा इतजन नासो रूसन जुहला तो लोग जाहिलों को अपना सरदार पेशवा मर्जा बना लेंगे वसूल उनसे सवाल किया जाएगा फ आफ्तू ब़ैर वह बग़ैर के फतवा देंगे फजलू अज़लू खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे तब का तफसील का मौका नहीं आइए एक और रिवायत को जोड़ें इससे मज़ीद हालात को आगे बढ़ाते हुए सुनन वग़ैरह की बड़ी मशहूर रिवायत है अल्लाह के नबी सल्हु वसलम और बाहबा से आसार के तौर पर मरवी रिवायात में ये मज़मून है कि हर बाद का आने वाला ज़माना पहले के ज़माने से ज़्यादा बुरा और शर वाला होगा अलामा इब्न हजर आसलानी इस पर इश्काल पेश करते हुए कहते हैं कि जमानों का जब हम तकाबुल करते हैं तो इस रिवायत के सिलसिले में इश्काल पैदा होता है वो यूँ कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्ला का ज़माना हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने के बिल्कुल तकरीबन बाद आया और मजमूई एतबार से देखें तो हजरत उमर बिन अब्दुल, अब्दुल अजीज को खलीफा खामिस कहा जाता है वहाँ अमन इस्लाम को जो ठहराव और फैलाव हासिल हुआ उस बुनियाद पर खिलाफत अल हाजिन नबूआ कहलाती है और हजाज का ज़माना जुल्म से भरा हुआ जिसमें बड़े बड़े और तबइन तक को यहाँ तक के बाद सहाबाए कराम को भी शहीद किया गया तो जाहिर सी बात है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ रम्ला का ज़माना बेहतर नज़र आता है हज्जाज बिन यूसुफ़ के ज़माने के मुकाबले तो फिर इस हदीस का क्या माना कि हर बाद वाला ज़माना पहले से ज़्यादा शर वाला होगा तो उन्होंने कहा कि अहल इल्म ने मुख्तलिफ तशरीहात की लेकिन ख़ुद हजरत इबन मसरूद रजी अल्लाह तु एक सहाबिय रसूल ने इसकी जो तशरी की मख्तल रिवायतें जो हसन और सही के दर्जे तक पहुँचती हैं उनमें यह मनकूल है कि इबन मसूद कहते हैं कि बाद का आने वाला ज़माना पहले के ज़माने के मुकाबले में ज़्यादा बुरा होगा मैं ये नहीं कहता कि माली और नेमतों की कुशादगी के एतबार से ये बात कही जाए दूसरी रिवायत में है कि अमीर दौलत और क़वत के एतबार से बाद वाला पहले से बुरा होगा मैं ये नहीं कहता बल्कि इल्म के एतबार से हर बाद वाला ज़माना पहले के ज़माने से बेहतर होगा इस एतबार से देखें कि हजाज बिन यूसुफ के ज़माने में अगर मजालिम हुए लेकिन उनके जमाने में सहाबा और ताबे की तादाद अहल इल्म की तादाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज र्ला के जमाने की तादाद से कहीं ज्यादा थी तो अहले इल्म की कसरत की वजह से इसमें खैर ज्यादा था बनस्बत बात के जमाने से जिसमें अगरचे हुकूमत और कुशादगी या खिलाफत नबुआत तो कायम हो गई लेकिन यहां इल्म की सहाबा के दौर के मुकाबले में कमी आ गई तो चुनान से इसकी तशरी तशरीहे बनी के बाद वाला जमाना यह जमाना ज्यादा बुरा जमाना वो है जिसमें की किल्लत हज़रत सईद बिन सी एक दूसरे ताबे हैं है, रह उनसे सवाल किया उनके एक शागिर्द ने कि हमारी हलाकत कब होगी उसकी अलामत क्या है तो फरमाया कि इजा कलमा कि जब तुम्हारेमा की कब हो होंगे तो तुम्हारी हलाकत मुतयन हो जाएगी इन तमाम बाज मुसूस और अभी उससे मुझसे पहर जो अहल इल्म ने सलफ़ के अकवाल रिवायात इल्म की अहमियत व फजीलत बयान की और जो कुछ मैंने पेश करने की कोशिश की इसके तनाजुर में आप गौर कीजिए तो हमारे समाज और माशरे का इंसानियत का के फसाद का बहुत बड़ा सबब इल्म से इल्म सही से जिसमें सही अकीदा सही मनहज इससे दूरी एक बड़ा सबब है सारे फितनाओं फसाद का अभी शेख फरमा रहे थे कि जुल्म और जिहालत का मुदावा और इलाज इल्म से होता है और इल्म सही अहले इल्म बयान करते हैं लिहाजा समाज और माशरे की खैर और भलाई का, का इहिसार इस बात पर है कि उसमें कितने रब्बानी हैं और वो अपने फरज़ को इल्म के अमानत को दूसरों तक पहुंचाने को कितनी ईमानदारी से अंजाम दे रहे हैं जिस समाज और माशरे में अहल इल्म हैं और अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं सही इल्म और सही दावत का काम कर रहे हैं वो शर से पाक होता जाएगा उसकी असलाह और तरबियत का काम होता जाएगा इस तनाजुर में आप देखिए तो ये कन फकीहन और कन मुतमन के ये सिलसिले वाम को लोगों को से जोड़ने का एक सिलसिला है उस खलीज को पाटने का जो बहुत ज्यादा तौर पर पैदा हो चुकी जिसका दर्द शेख निसार साहब बयान करते हुए कह रहे थे कि हर मस्जिद को कन फकीहन और हर इलाके और हर मुसलमानों के मरकज़ को जो है अब सुफ़ा की दरसगाह की तरह अहले इल्म और से जोड़ने का एक मरकज़ बनाना चाहिए वाकई ये आज की इंतहाई शदीद ज़रूरत है इंतहाई ख्त तो जरूरत है हम ये देख रहे हैं आज के जमाने में कि इस्लाम इस्लाम का नाम इस्लाम पसंदी का मुजाह दावतें मुख्तलिफ अफकार जगह जगह पाई जाती हैं हाँ, इस्लाम पसंदी का मुजाहरा करके लोग जिहाद और जोशीली बातें करते हैं और ना जाने कौन कौन सी दावतें हैं तफसील का मौका नहीं है यहाँ मैं सिर्फ एक मिसाल अभी एक किताब हमारे सामने इंशाल्लाह उसका दर्श देंगे शेख अब्दुल मालिक बिन अहमद हाँ रमजानी अलजायरी उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया मैं दावत इल्म के साथ दावत के मौजू पर आ रहा हूँ मनहज सलफ़ के तनाजुर में शेख हुसैन साहब ने बड़ी जाम बात सलफ़ के मुख्तलिफ पहलुओं को घेरा कि इल्म की खिदमत शौक से मुतालिक उनका क्या मनहज था अम्बिया से लेकर असलाफ तक उसके बाद एक इल्म इल्म के, के बाद असल मरहला और जिम्मेदारी का होता है दावत का तो दावत में भी कुरान सन्नत और, और सलफ़ का मनहज ही मुतबर होगा आज बहुत सारी दावतें पाई जाती हैं तो शेख अब्दुल मालिक ने अपनी किताब में एक वाक्य का जिक्र किया कि शेख अमामा अलमानी रिमल्ला और अली इब्न हाज अलज़ायर के जो जबहतुल इनकाज लिल इस्लाम है हाँ एक महाज के तौर पर काम करता है तहरीकी लोग उनसे मुलाकात हुई और उसमें जिक्र किया उन्होंने कि वो उस जबहा के महाज के लीडर थे लाखों लोग मलाइन का लफ्ज इस्तेमाल किया मिलियनों लाखों लोग उनके मुरीदीन मुआफिकीन और मुतफ़ी जो भी कह लें शामिल थे शेख हलवानी ने गुफ्तु के दरमियान उनसे एक सवाल किया कि आप तहरीक तहरीक जिहाद के अलम बरदार हैं इस्लाम के नफाज की बात करते हैं मेरे एक सवाल का जवाब दिया अकुल माँ का याफोल्ला अरशवा आपके साथ जो लोग हैं उनमें का हर शख्स क्या ये जानता है मानता है कि वो अरश पर मुस्तवी है अल्लाह अल्ला, तबारक वाली अरश पर मुस्तवी है क्या हर एक ये जानता है और मानता है उसका ये अकीदा है तो उन्होंने पहले कुछ देर रद्द कदा किया बात को घुमाने फिराने की कोशिश की और उसके बाद कहा कि अर्जु का मुझे उम्मीद है कि ऐसा जानते हैं तो अलमानी फरासत मोमिनाना रखते थे हाँ उन्होंने कहा दान का जवाब सियासी ये सियासी जवाब छोड़िए सियासी बयान का अंदाज इधर भी और उधर भी जो चलता है साफ साफ जवाब दीजिए तो जब अलबानी साहब ने इसरार किया तो अली इब्ने हाज ने कहा कि हाँ ये बात मैं कबूल करता हूं कि हमारे रोफका और साथी जो हमारी हमारे जबा से जुड़े हुए हैं वो इस बात इस अकीदे को नहीं जानते नहीं मानते कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है शेख अब्दुल मालिक ने इस वा को नकल करने के बाद जो तबसरे किए कि ये सलफ का मनहज था शेख अलबानी ने उनसे जो सवाल किया और यही सवाल क्यों किया कि रहमान अरश पर मुस्तवी आपका हर साथी जानता है कि नहीं जानता बहुत बलीग इसमें तालीम और इशारा है कि आप अगर चाहते हैं दावत का काम करना आप अगर चाहते हैं कि अरश हाकिम को हासिल करें तख्त शाही को हुकूमत कायम करना चाहते हैं दावत के काम को सियासी माहौल में ढाल दिया गया तोहहीद को तोहीद हकमियत के माना में महसूर कर दिया गया महदूद कर दिया गया जो अम्बिया का मनहज और उनकी तालीम नहीं है चुनान से आप अगर ऐसा कर रहे हो तो अम्बिया के मनहज का तरीक़ार क्या था अम्बिया का मनहज क्या था वो ये था कि लोगों को पहले अकीदा सिखाते थे इसलाह करते थे ईमान और अमल साले पर जब तरबियत होती थी इल्म और तालीम के जरिए से जब उनकी उनकी तरबियत हो जाती तस्किया हो जाता तो वो इस लायक होते कि अल्लाह ताला के दीन की दावत लोगों तक पहुंचाते कुरान सुन्नत इल्म के साथ हासिल किया जाए तो सैफ उसका उसकी ताबे होगी सैफ उसका उसकी ताबे होगी कह रहा था तो अर्ज़ ये करना था कि शेख अल अल्बानी रम्ह ने उनको ये इशारा दिया कि अगर आप दावत का काम करना चाहते हैं तो पहले अकीदा सीखें और ये जो उनका सवाल था जनाब महम्मदरसोल्ला के, ए, के चश्म हिदायत से हासिल किया हुआ ए, दर्स था कि आपके ज़माने में हाँ बहुत मशहूर रिवायत है ालिबा सही मुस्लिम की हजत मुआविया बिन हकम असल्लामी रहा की वो कहते हैं कि मेरी कुछ बकरियाँ थी हाँ उहद और ज जवानिया के दरमियान एक लौंडी उसको चराया करती थी एक रोज़ मैं पहुंचा तो देखा कि भेड़िया जो है एक बकरी को लेकर गया मुझे गुस्सा आया मैं इंसान था उसको मैंने तमाशा मार दिया बाद में मुझे इसका एहसास हुआ कि मैंने ज्यादती की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके जिक्र किया आपने इसको बड़ा माना कहा उसको बुलाओ तो कहा मैं उसे आज़ाद कर दूँ कहा उसे बुलाओ उसे बुलाने के बाद उससे सवाल किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आयीन अल्लाह अल्लाह कहाँ है अल्लाह कहाँ है उसने कहा क्या जवाब दिया आसमान में है अर्श पर मुस्तवी है मैं, अमन अना मैं कौन हूं तो कहा अंत रसूल तो अल्लाह के रसूल ने कहा आतिहा इन मोमिना इसे आजाद कर दो ये मोमिना है ये एक उस वक्त की बकरी चराने वाली लौंडी और बाधी ये अकीदे की बात जानती थी और आज इस्लाम पसंदी का ढिंडोरा पीटने वाले जो लोग इस्लाम की दावत और हुकूमत कायम करने की बात करते हैं वो इस अकीदे को नहीं जानते नहीं फैलाते लोगों तक पहुंचाने की उनको फिक्र भी नहीं है हुकूमत कायम करने की इस्लाम की फिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह के हक को पहचानने का रहमान कहां है ऐन अल्लाह का जवाब नहीं मालूम कितनी बड़ी कामी है मनहज से दूरी है वक्त खत्म हो चुका है जो आयत मैंने पढ़ी थी सिर्फ उसकी तरफ इशारे करूं अल्लाह ने इरशाद फरमाया इर्शाद फरमायाबील रबी का आपने बारहा सुनी है इसकी तफसीर ये एक आयत करीमा दावत दावत दिन के पूरे उसूल जबते को अपने अंदर समेटे हुए हैं और उसके रुख को भी वो दोनों एला सबील रबिक मुखातब अल्लाह के रसूल हैं और वास्ते से बुरी उम्मत अपने रब के रास्ते की तरफ़ दावत दीजिए सबसे पहले एला सबील रबिक की तयन और कैद से दावत का रुख उसकी गायत उसकी जहत और मकसूद तय हो गया कि दावत देना है किधर फ़ला मुफक् के अफकार की तरफ नहीं फला बुजुर्ग और शेख के तरीक़त की तरफ नहीं फला बुजुर्गों के ईजाद करदा फलसफों की तरफ नहीं रब के रास्ते की तरफ और रब के रास्ते में सर फहरिस तो है अल किताब अल हिकमा है तो की तरफ दावत दीजिए रब के रास्ते की तरफ मैंने अभी शेख अलबानी का जो वाक़ पेश किया बास तफसीत और पेश करनी चाहता था इस तनाजर में कि आज के ज़माने में बहुत सी दावतें हैं लेकिन गौर से देखे तो एला सबील रब की हदबंदी नहीं रही पाबंदी नहीं रही तो अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना है ये दावत का मकसद उसकी जहत तय हो गई बिलहिकम हमत के साथ हकमत में आम तौर से अहले इल्म अहिल् इब्ने जरीर वगैरह कहते हैं कि अक्मत वगल किताब व सुन्ना कुरान और हदीस इससे बढ़कर कर क्या हो सकती है लेकिन एक जाम ताबीर है कुरान हदीस में दावत के क्या क्या उसलूब तरीक़े और मुख्तलि मराहल के पर कौन से चीज़ें इख्तियार करने की बात कही गई आपका मुखातब कौन हो उसका लिहाज किया जाए ज़बान कैसी होनी चाहिए वॉक और महल का लिहाज किया जाए आपके अखलाक कैसे हो, हों हो, नरमी हो ये सारी चीज़ें हमत में शामिल हैं हाँ जाहिर सी बात है कि अगर आपका मुखातब मिसाल के तौर पर एक औरत है आप किसी खातून को ख़्वीन को ख़िताब कर रहे हैं तो उनको दाढ़ी की फजीलत नहीं बयान करेंगे और ये नहीं बयान करेंगे दाढ़ी रखना फ़र्ज़ है शयार दीन है और ऐसा है और ऐसा है यकीनन कुछ लोगों को हंसी आ रही है लेकिन आज बड़े पैमाने पर ऐसे ही दावत दी जा रही है मैंने बतौर एक खास इसकी मिसाल दी कि जिस चीज की मुसलमानों को क़ुत और ताकत नहीं है हुकूमत कायम करना हुकूमत की मुकाबला आरई करना जो अंबिया का मनहज भी नहीं है उस पर जोर दे रहे हैं कि औरतों को दाढ़ी रखने की तलकिन कर रहे हैं क्या हमारी ताकत नहीं है जिस जो चीज़ हमारे बस के बाहर है कल दुकूर ने बड़ा अच्छा खिताब किया दर्श दिया कि जिस वक्त हमारे सामने जो मामला पेश है शेख अब्दुल अब्दुलमालिक ने भी उसको बड़ी तफसीली एक मौजू पर गुफ्त की इस मौजू पर उस वक्त हम उतने ही के मकलफ़ हैं जितना हमारे सामने हालात पेश है हालात हाजरा में एक साहबी ने ईमान लाया कलमा पढ़ा जिहाद किया एक वक्त की भी नमाज नहीं पढ़ी जन्नत में चले गए नमाज उन पर फर्ज ही नहीं हुई थी लिहाजा जिस चीज़ के हम मकलफ़ ही नहीं हैं उसको उसकी बात करना जो हाजिर है फ़राज जो हम पर आयद हो रहे हैं उसको छोड़कर उनकी बात करना जो अभी फरीजा आयद नहीं है इसको भी फ़ौत करना है उसको भी ज़ाया करना है तो हमत के साथ दावत देनी है वलमाज़त हसना और अच्छी वाज़ व नसीहत के साथ बेहतरीन वाज़ व नसीहत ये जवाजिर और डराने के जो बयान कुरान हदीस में हैं बाज लोगों ने कई तफसर की हमत मोज़त और जिदालबिलहसन को हमत व जो अक़ल को मुखातब करे गौर वफ़िक्र दलाइल के साथ मोहज़त व जो दिल को झिझोड़े जहनम अल्लाह की पकड़ सख्ती अजाब और जन्नत का शौक़ भी उसमें आ जाएगा हाँ और जादिलुम बिल्लती अहसन हर धर्म लोगों के सामने मुनाजर किया जाए अहसन तरीके से नरमी से बदतमीज़ी ना हो मुक़ाबला आरई और एक दूसरे को हराने वाला मामला ना हो हाँ कुछ लोगों ने कहा कि हिकमत उनके लिए जो खाली जहन है मोहिजत उनके लिए जिनके दरमियत जिनके दिल में तरद है और जिदाल बिल बिलहसन उनके लिए जो मुखालिफ और हक का करद करने वाले हैं ये चंद बातें मैंने इस तनाजुर में पेश की कि दावत के असूलों को ये आयत और इसके अलावा दूसरे नुसूस अपने अंदर समेटे हुए हैं दावत जब हम इल्म हासिल कर रहे हैं अगर हम अपनी खराबियों को वो चाहे घर से मुतालिक हो, अकीदे, मनहज, इबादत से मुत्ल हो, मुसलमानों की जिल्लत और रसवायो शेख अब्दुलमालिक ने बहुत प्यारी बात कही कि अल्लाह के रसूल वसलम ने उस लॉन्डी के बारे में साहबी रसूल से कहा कि ये मोमिना है इसको आज़ाद कर दो मोमिना बयानने के लिए कौन सा कौन सी जाँच की अकीदा देखा कि अल्लाह के बारे में क्या अकीदा है रसूल के बारे में क्या अकीदा है ऐसे ही अगर आज मुसलमान जो इन्हताज़ जिल्लत, परेशानी दुशारी मुसीबतों में गिरफ्तार हैं दुश्मनों के एजेंडे और मनसूबे हमारा ताक़ुब कर रहे हैं अगर उनसे हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें इस सबक़ को पहले ताज़ा करना चाहिए कि अल्लाह अरश पर मुस्तवी है अल्लाह के बारे में अपना अक़ीदा दुरुस्त करें रसूल के बारे में अपना अकीदा दुरुस्त करें और लोगों में इसी मनहज के मुताबिक दावत को आम करें अल्लाह ताली से दुआ है कि वह हमें दीन का सही फ़हमता फ़रमाए मरकज इमाम बुखारी और इससे मुतल इसके रईस और दीगर तमाम इस मतलकिन जिन्होंने कन फ़कीहन का मुबारक सिलसिला शुरू किया इस सिलसिले को यहाँ भी बार आवर फरमाए इसकी आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे इर्द गिर्द यहाँ देख रहे हैं वेयर हाउस बन रहे हैं तजारती मराक़ हाँ इन मराक़ज़ की जितनी लोगों को जरूरत है दुनियावी तरक्की के अतबार से उससे ज़्यादा हमारे इस मरकज की और ऐसे बहुत सारे मराकिस की जहाँ इल्म के सिपाही तैयार किए जाएं कुरान सुन्नत के हथियार से लेस करके जो समाज और माशरे की असलाह और वहाँ पाए जाने वाली गुमराहियों शिरक व बिदाद का इलाज कर सकें वहाँ इनहराफात को दूर करके मनहज सलफ को आम कर सकें ऐसे मराकिस की इंतहाई शदीद ज़रूरत है हाँ एक अनवान ये भी कायम किया गया उसमें उस किताब में कि असुदोबिल्म के, के सरारी क़ियादत सियादत इल्म की बुनियाद पर मिलती है लिहाजा इल्म और अहले इल्म की कदर को पहचाने और इस इस सिलसिले की कदर कीमत को जाने अल्लाह तबारक ताला इसे कबूल फरमाए इस सिलसिले को इसे बराबर फरमाए जो तलबा इससे वाबस्ता हैं काबिल मुबारकबाद हैं वो मज़ीद इसमें मेहनत बढ़ाएँ और आपने सुना कि इल्म के, के हसूल की कोई उम्र नहीं होती साहब कराम में किस किस उम्र के लोग थे जो बाद में कमाल पैदा करते थे और तलौली के वो अफराद जिन्होंने कुन कालमान के सिलसिले को इसकी शुरुआत की है वो इस पर वसूसी तोज्जो दें आपके बच्चे इस्कूल जाए इंजीनियर डॉक्टर और जो भी बने लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत के हामिल आपकी मस्जिद में हासिल होने वाली ये तालीम है जो कुरान से और अल्लाह के रसूल की हदीस और मनहज सलफ़ से सही अकीदे से आपके बच्चों को जोड़ती है अल्लाह तबारक तौर इस सिलसिले को आम करे इसलिए कि आज पूरी उम्मत को इसकी शदीद ज़रूरत है मैं डॉक्टर साहब की तरफ से एक ऐलान ये करना चाहता हूँ कि तमाम मेहमान ने ग्रामी से इंतहाई मदबाना गुजारिश है कि उनके लिए खाने का नज्म किया गया है लिहाजा कोई भी मेहमान खाना तनावुल किए बग़ैर यहाँ से तशरीफ़ न ले जाए जहर की नमाज होगी उसके बाद खाने का नजम है अल्लाह तबार हमें दुनिया और आखिरत के खैर से नवाजे वाखिर